नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ सियागंज में बैठा हूँ। आज 19 जुलाई 2022 का दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रेनकोट पहन रखा है और एक मॉडलिंग के लिए एक छाता लगा रखा है रंग बिरंगा। बहरहाल शहर में बारिश हो रही है और मैं बैठा हूँ आदरणीय हरीश गेही साहब के पास, हरीश कुमार गेही, जो कि महालक्ष्मी स्पोर्ट्स के ऑनर हैं। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे बात करना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी ग्राहकी बहुत बड़ी चढ़ी है, बहुत तनाव भी है उन्हें, दबाव भी है, लेकिन आपको सुना धन्यवाद कि आपने हमसे बात करना स्वीकार किया। ये बताइए आदरणीय कि इंदौर में छाते थोक में कहाँ कहाँ बिकते हैं? सर, ये पूरी मार्केट जो है रानीपुरा सियागंज थोक मार्केट है। इसके अलावा भी शहर बढ़ रहा है चारों दिशाओं में, सांवेर की ओर बढ़ रहा है, नेमावर की ओर बढ़ रहा है, धार की ओर बढ़ रहा है, देवास की ओर बढ़ रहा है, तो थोक व्यापार और कहीं से भी हो रहा है? नहीं सर, 90% तो इंदौर भी है। वैसे हर जगह, जैसे रतलाम, उज्जैन, हर जगह होलसेल हब बन चुका है जी, तो 90% हर ग्राहक वहीं पे ही कटिंग हो जाती है, पर जो माल शॉर्ट रहता है तो रानीपुरा सियागंज इंदौर का हार्ट ऑफ सिटी है। अच्छा, रानीपुरा सियागंज जो है, यहाँ पर व्यापार कब तक प्रभावित हुआ? जैसे आपने बताया कि उज्जैन में भी एक मार्केट बन गया, रतलाम में भी बन गया, देवास में भी बन गया है, गौतमपुरा में भी बन गया है, या चापड़ा, इस तरह की जगह यहाँ पर भी मार्केट बन गया है, तो यहाँ का व्यापार कितना प्रभावित हुआ? सर, हर जगह माल जो है अपने हिसाब से कटिंग होती है, होलसेलर अपने हिसाब से हर जगह अपने हिसाब से, मतलब उसको माल लेके बेचते हैं कि मेरे यहाँ कितनी खपत है, पर फिर भी कोई आइडिया लगता नहीं, क्योंकि ये सीजनल काम है, बारिश के ऊपर पूरा निर्भर है। हरीश भाई, छाते कहाँ से बनकर आते हैं? सर, आजकल तो 90% मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडियन ही हो रही है और 90% इंदौर में भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरह से हो रही है। तो इंदौर शहर में हो रही है या इंदौर की सीमा में कुछ फैक्ट्री? इंदौर शहर में ही हो रही है सर। अच्छा, इसका इसकी मशीनरी बहुत महंगी आती होगी? नहीं सर, पूरा हैंडवर्क है। हैंडवर्क है, पूरा हैंडवर्क है, कोई मशीनरी वाला काम नहीं है, पूरा हैंडवर्क है। और जो हैंडवर्क मतलब इंदौर में होता है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया भी माल जाता है। कितने कारीगर इसमें लगे रहते होंगे साल भर? सर, वो तो अब फैक्ट्रीज का काम है, मैं तो खैर ट्रेडिंग में हूँ। हाँ। पर जिनका काम है तो वो ईयरली पूरा साल ही लगे रहते हैं। फिर भी अमूमन कितनी फैक्ट्री होंगी हरीश जी? यहाँ मेरे हिसाब से 5-7 तो होंगे। अच्छा, यदि देखा जाए तो इतना बड़ा शहर है, अनऑफिशियल हमारी 50 लाख की आबादी हो गई है, लोगों के पास कारे भी, लेकिन छाता तो छाते का काम करता है, अमीर के लिए भी करता है, गरीब के लिए भी करता है, तो एक सत्र में कितना छाता पूरा इंदौर बेच देता होगा? सर, उसका तो आइडिया नहीं लगा सकते। लाखों में तो बोल सकते हैं? हाँ, लाखों में तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ खराब होने वाली नहीं है। आज लिया, एक साल भी चला, 2 सीजन भी चला, 3 सीजन भी चला, कोई ऐसा नहीं कि इस सीजन में लिया तो इसी सीजन में वो एक्सपायर हो जाएगा या खराब हो जाएगा, वैसा काम कुछ भी नहीं, पर अच्छा चलता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि स्कूल का बच्चा बस में स्कूल तक जाता है, लेकिन उसे थोड़ा सा स्कूल की कक्षा तक जाने के लिए छाता लगता है, मम्मी को बस स्टॉप तक ले आने के लिए छाता लगता है। यदि नंबर आप देखा जाए तो बड़े छाते ज़्यादा बिकते हैं, छोटे छाते ज़्यादा बिकते हैं? सर, हर कैटेगरी के हिसाब से हर जगह अपना अपना छाता लगता है। जहाँ ऑफिस वर्क है तो वो तो रेनकोट में ही काम चलता है, जहाँ वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ तो छाता ही लगेगा। जैसे बच्चा मम्मी के साथ जा रहा है तो वो तो गाड़ी पे नहीं जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ तो छाता है, वॉकिंग डिस्टेंस से छाता लगता ही लगता है। बाकी ऑन वे मतलब जैसे व्हीकल पे जा रहे हैं तो व्हीकल पे छाता नहीं लगता, नहीं लगता, फट जाता है वो। अरे जी, जो छाता होता है उसकी न्यूनतम यानी सबसे कम कीमत क्या होती है और अधिकतम कीमत क्या होती है, निचली कीमत क्या होती है? न्यूनतम कीमत तो 70-80 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है छाता जी, 70 और 80 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और मिनिमम मान के जो मैक्सिमम 200-250 में अच्छी रेंज आ जाती है, अच्छी रेंज आ जाती है। अच्छा, ये बताइए, जो ये ऑटोमेटिक खुलने वाला छाता होता है जिसे हाथ से नहीं तानना पड़ता, वो महंगा होता है या खुलने वाला छाता ज्यादा महंगा? लगभग आजकल सेम रेट हो गए और सेम वेरायटी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि कपड़े के ऊपर फर्क पड़ता है या किसी के बटन के ऊपर पड़ता है, लगभग इक्वल रेट है, 10-20 रुपए का ऊपर नीचे चलता है, बाकी कोई इतना विशेष फर्क नहीं है दोनों में जी। पर चॉइस का फर्क है, जैसे ओल्ड एज होगा तो मैनुअल लेगा, और अगर कोई मतलब एजेंट नहीं है, प्लेन है, तो वो खटके वाला बटन वाला ही लेते हैं। सर, छाते जो है बहुत मुश्किल से फटते हुए देखे और उसकी भी सिलाई हो जाती है। यदि हम इंदौर शहर की बात करें तो मालवा मिल पर पाटनीपुरा में प्रकाश टॉकीज जो कि टूट चुका है, वहाँ पर कुछ लोग कारीगरी करते हैं इसकी, यदि इंदौर में इनकी संख्या गिनी जाए तो कितनी होगी सुधारने वालों की? सर,
खैर इतना तो अपन ने भी ध्यान नहीं दिया, पर ये मान के चलो कि 100 से ऊपर ही होंगे, 100 से ज्यादा। हाँ, ये सब वही वर्कर हैं जो मतलब साइकिल पंचर वाले, ताले सुधारने वाले, जिनके अभी बारिश में काम डाउन हो जाता है, उनको उनको फिर ये इस चीज में आ जाते हैं, तो वो उससे हिसाब से सीजनल काम करते हैं। अच्छा, यदि इंदौर में अमूमन देखा जाए, मैं आपसे पूरे फिक्स फिगर नहीं पूछ रहा, कितने का व्यापार है ये थोक व्यापारी के लिए और खैरची व्यापारी के लिए? सर ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो यहाँ एक दुकान लेके बैठा हूँ, ओवरऑल तो ये बताना मुश्किल है, पर फिर भी अच्छा है। फिर भी आपने जैसे कीमत बताई कि 70 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के छाते मिलते हैं जी, तो होलसेलर के लिए और जो टुचपुच बेचता है, मतलब खैरची बेचता है, उसके लिए कितने प्रतिशत का व्यापार है? सर ये एक्चुअल क्या है, ये डेली व्यापार नहीं है, ये सीजन के ऊपर है, बारिश पड़ी तो व्यापार होगा, बारिश जहाँ 2 दिन बंद हुई व्यापार पूछने भी कोई नहीं आएगा। अच्छा, ये सीजन के ऊपर है, बारिश के ऊपर है, जड़ी के ऊपर है जी, तो उस हिसाब से इसकी कोई फिक्स ग्राहकी नहीं है या फिक्स अमाउंट नहीं है या कोई फिक्स नहीं है कि मेरे को आज मतलब इतने 1000 छाते बेचने या 500 छाते बेचने, छाते का कोई काम फिक्स नहीं, ये तो ऊपर बारिश के ऊपर है, जड़ी के ऊपर है, मौसम के ऊपर है, तो ही बिकता है। जैसा कि मैंने आपके ऊपर एक बहुत आकर्षक रंग बिरंगा छाता लगा रखा है जी जी, मैं भी इसी शहर में पैदा हुआ हूँ जी जी, मैंने देखा है गर्मियों में जो खासकर अमीर वर्ग की महिलाएं होती हैं वो छाता लेकर चलती हैं, डेली कॉलेज की शिक्षिकाएं और शिक्षक छाता लेकर चलते हैं, एमरल्ड हाइट्स स्कूल के शिक्षक छाता लेकर चलते हैं, यशवंत क्लब के मेंबर छाता लेकर चलते हैं, तो शौकिया तौर पर छाता खरीदने वालों की संख्या कितनी होगी? सर शौकिया लोग वालों की वो भी डेली नहीं खरीदते, ईयरली जो ले लिया पड़ा है ले रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ 9 महीने जो ग्राहकी मतलब छाते की बिल्कुल स्टॉप ही हो जाता है। आदरणीय महालक्ष्मी स्पोर्ट्स पर हम बैठे हैं, आपकी मैं उम्र पूछना चाहूँगा और आप इस व्यापार से इस शॉप से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? सर मेरी 44 ईयर्स है और पिछले 7 सालों से मैं छाते का काम कर रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो व्यक्ति छाता ले गया फिर वो नया नहीं खरीदता या उसमें टूट फूट नहीं होती, तो छातों की बिक्री घटती जा रही है या उतनी ही औसत बनी हुई है या बढ़ रही है? छाते की ग्राहकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, एक बार यूज़ करा अच्छा लगा या कोई सी मिस्टेक आ गई या कहीं पे फटा हुआ है तो आदमी बोलता है चेंज कर दो, क्योंकि ये एक प्रेस्टीज के भी ऊपर होता है। स्कूल का बच्चा बस में स्कूल तक जाता है, लेकिन उसे थोड़ा सा स्कूल की कक्षा तक जाने के लिए छाता लगता है, मम्मी को बस स्टॉप तक ले आने के लिए छाता लगता है, तो यदि नंबर ऑफ देखा जाए तो बड़े छाते ज़्यादा बिकते हैं छोटे छाते ज़्यादा बिकते हैं? सर हर कैटेगरी के हिसाब से हर जगह अपना अपना छाता लगता है, जहाँ ऑफिस वर्क है तो वो तो रेनकोट में ही काम चलता है, जहाँ वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ तो छाता ही लगेगा, जैसे बच्चा मम्मी के साथ जा रहा है तो वो तो गाड़ी पे नहीं जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ तो छाता है, वॉकिंग डिस्टेंस से छाता लगता ही लगता है, बाकी ऑन वे मतलब जैसे व्हीकल पे जा रहे हैं तो व्हीकल पे छाता नहीं लगता, नहीं लगता है, फट जाता है वो। अरे जी, जो छाता होता है उसकी न्यूनतम मैंने सबसे कम कीमत क्या होती है और अधिकतम कीमत क्या होती है, निचली कीमत क्या होती है? न्यूनतम कीमत तो 70-80 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है छाता जी, 70 और 80 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और मिनिमम मान के जो मैक्सिमम 200-250 में अच्छी रेंज आ जाती है, अच्छी रेंज अच्छी रेंज आ जाती है। अच्छा ये बताइए, जो ये ऑटोमेटिक खुलने वाला छाता होता है जिसे हाथ से नहीं तानना पड़ता, वो महंगा होता है या खुलने वाला छाता ज्यादा महंगा? लगभग आजकल सेम रेट हो गए और सेम वेरायटी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि कपड़े के ऊपर फर्क पड़ता है या किसी के बटन के ऊपर पड़ता है, लगभग इक्वल रेट है, 10-20 रुपए का ऊपर नीचे चलता है, बाकी कोई इतना विशेष फर्क नहीं है दोनों में जी। पर चॉइस का फर्क है, जैसे ओल्ड एज होगा तो मैनुअल लेगा, और अगर कोई मतलब एजेंट नहीं है प्लेन है तो वो खटके वाला बटन वाला ही लेते हैं। सर छाते जो है बहुत मुश्किल से फटते हो देखे, उनकी भी सिलाई हो जाती है, यदि हम इंदौर शहर की बात करें तो मालवा मिल पर पाटनीपुरा में प्रकाश टॉकीज जो कि टूट चुका है वहाँ पर कुछ लोग कारीगरी करते हैं इसकी, यदि इंदौर में इनकी संख्या गिनी जाए तो कितनी होगी सुधारने वालों की? सर खैर इतना तो अपन ने भी ध्यान नहीं दिया, पर ये मान के चलो कि 100 से ऊपर ही होंगे, 100 से ज्यादा। हाँ, ये सब वही वर्कर हैं जो मतलब साइकिल पंचर वाले, ताले सुधारने वाले, जिनके अभी बारिश में काम डाउन हो जाता है, उनको उनको फिर ये इस चीज़ में
आ जाते हैं तो वो उससे हिसाब से सीजनल काम करते हैं। अच्छा, यदि इंदौर में अमूमन देखा जाए, मैं आपसे पूरे फिक्स फिगर नहीं पूछ रहा, कितने का व्यापार है ये थोक व्यापारी के लिए और खैरची व्यापारी के लिए? सर ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि मैं तो यहाँ एक दुकान लेके बैठा हूँ, ओवरऑल तो ये बताना मुश्किल है, पर फिर भी अच्छा है। फिर भी आपने जैसे कीमत बताई कि 70 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के छाते मिलते हैं जी, तो होलसेलर के लिए और जो टुचपुच बेचता है मतलब खैरची बेचता है उसके लिए कितने प्रतिशत का व्यापार है? सर ये एक्चुअल क्या है, ये डेली व्यापार नहीं है, ये सीजन के ऊपर है, बारिश पड़ी तो व्यापार होगा, बारिश जहाँ 2 दिन बंद हुई व्यापार पूछने भी कोई नहीं आएगा। अच्छा, ये सीजन के ऊपर है, बारिश के ऊपर है, जड़ी के ऊपर। ठीक है, आदरणीय हरीश भाई आपने हमसे बहुत इत्मीनान से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम खान साहब बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चौमासा है, आज 19 जुलाई 2022 को पानी गिर रहा है क्योंकि मैंने रेनकोट पहन रखा है। आपकी जानकारी में होगा कि अमीर हो गरीब हो सबके लिए छाता जरूरी है। महज कोई स्कूली बच्चा है वो बस से स्कूल जाता है लेकिन स्कूल की कक्षा तक जाने के लिए उसे छाते की ज़रूरत होती है, उसकी माँ या परिवार के कोई व्यक्ति उसे बस स्टॉप तक छोड़ते हैं उसके लिए भी छाते की ज़रूरत होती है। छाता कार वालों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सड़क पर कार टिकाई तो किसी ऑफिस में जाना है, किसी ज़रूरी काम से जाना है तो छाता ज़रूरी होता है। बहरहाल एक दुनिया है छाता सुधारने की, जो कि हमारे भाई वसीम खान साहब ये काम करते हैं, वे साल भर ताला चाबी सुधारते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदौर में 500 लोग हैं जो छाता सुधारते हैं, वे बारिश के दिनों में छाता सुधारते हैं, बाकी दिनों में वे ताला चाबी सुधारते हैं। वसीम भाई आप कहाँ रहते हैं? पाटलीपुरा गली नंबर 2। गली नंबर 2 में कितने साल से काम कर रहे हैं? 25 साल से। आपकी उम्र क्या है? 39 साल। 39 साल। आपको ये काम किसने सिखाया था? दादा ने। दादाजी का नाम? चांद खां साहब। अच्छा, आज की तारीख में आप छाते सुधार कर, चूँकि जुलाई चल रहा है और जून 15 से बारिश शुरू हो जाती है और इंदौर में तो प्री मानसून भी आ चुका, तो अभी एक माह में आपने कितने ताले छाते सुधार लिए होंगे? 100-150। छाते की समस्याएं क्या क्या होती हैं? तार टूट जाते हैं, टाड़ियाँ टूट जाती है, हाँ फट जाते हैं, हाँ बस यही। सिलाई भी करते हो आप? नहीं, सिलाई का काम नहीं। अच्छा, सिलाई का काम कौन लोग करते हैं? वो जो करने वाले करते हैं, अपन नहीं करते। कितना पैसा लेते हो सिलाई का लगभग? 10-20 रुपये। अच्छा, आप जो जैसे बता रहा ताड़ी टूट जाती है, हैंडल में लॉक में कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, आप कितना पैसा लेते हो उसका? 20-40 रुपये। 20-40 रुपये। यदि प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो कितना पैसा कमा लेते हैं आप? 1800 रुपये कमा लेते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब छाते नहीं सुधरते तो ये जो 1000 रुपये है, 1000 रुपये तो आप खाता नहीं होगा आपका परिवार रोज का, इसको बचा के बाकी 8 महीने काम चला लेते हो आप? चला लेते हैं आप। अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में किसी को आपने काम सिखाया? नहीं सिखाया। जब इतना अच्छा काम है, इंजीनियरों की 12 बजे पड़ी, 7-8 हज़ार में काम कर रहे हैं, MBA वाले कर रहे हैं, आप 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, तो इसे सिखाते क्यों नहीं हो? अभी छोटे ना सर। छोटे हैं? छोटे। अच्छा, आपके बच्चों के नाम क्या है? आसिम हसन। हाँ आसिम। हाँ लड़के का नाम है छोटे वाले का हसन। हाँ लड़की है बड़ी अल्फिया। अच्छा, उससे छोटी लड़की शामिया। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो? ये नागेश्वर राधा स्वामी नागेश्वर स्कूल। अच्छा, क्या बनाना चाहते हो? पहली बार यही काम सिखाएंगे उनको, अच्छी पढ़ी पढ़ा लिखा के। अच्छा, बनाना क्या बनेगा? ठीक है वसीम भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।